Hello and welcome. This is Muhammad Iqbal Khan, Advocate. I am here from Iqbal International Law Services. Hello viewers. Today we are here for the legal topic. आज का जो हमारा legal topic है वो है Christian separation, Christian judicial separation. Christian जोड़े की judicial separation कैसे होती है? How judicial separation is made in the Christian divorce? Christian जोड़ा जो Christian spouse वो अगर जुडिशियल सेपरेशन लेना चाहता है तो कैसे होती है सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन किस तरीके से वो ले सकता है? देखिए, उसके लिए जुडिशियल सेपरेशन हासिल करने के लिए भी कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा. क्रिश्चियन जोड़े को अगर वो चाहते हैं कि हमारे जुडिशियल सेपरेशन हो जाए तो उसके लिए उनको कोर्ट में केस फाइल करने पड़ेगा. उसे रिलेवेंट सेक्शन है 23 ऑफ द डिवोर्स क्रिश्चियन एक्ट 1969. 23 सेक्शन के तहत कोई भी, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए केस फाइल कर सकता है. ही कैन फाइल और शी कैन फाइल केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज. अब अगर खावंद या बीवी कोई भी वो मुतमैन नहीं है, वो कहता है कि नहीं, हम सेपरेट होना चाहते हैं, जुडिशियल सेपरेट होना चाहते हैं, तो हमें वो केस फाइल करेगा. तो अगर कोर्ट मुतमैन होगी तो ऑफ कोर्स वो डिग्री जारी कर देगी जुडिशियल सेपरेशन की. कोर्ट को मुतमैन करना पड़ेगा किस सूरत में ग्राउंड्स दी जाएंगी. देखिए, पहली बात तो ये है कि एडल्ट्री की है, अगर हस्बैंड ने, वाइफ ने एडल्ट्री की है किसी भी पार्टी ने और कोर्ट मुतमैन होती है तो आपको जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगी, पहली बात. दूसरी बात यह है कि क्रूएलिटी भी पर भी जुडिशियल सेपरेशन मिल सकती है. जुल्म, अगर हस्बैंड जुल्म करता है, ज्यादती करता है वाइफ पर, उसको मेंटली और फिजिकली उसको पनिश देता है, उसको ट्रीटमेंट करता है, मॉल ट्रीटमेंट करता है, तो उस सूरत में भी कोर्ट से जुडिशियल सेपरेशन ली जा सकती है. तीसरी सूरत यह है डेजर्शन विद रीजनेबल, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज ऑफ 2 years. अगर हस्बैंड 2 साल से एक बगैर किसी रीजनेबल वजह के वो डिसल्टेड है, दूर है, उससे दीदा दानिस्तगी तरीके से उसने अलहदगी की हुई अपनी वाइफ से, 2 साल से वो सेपरेट रहता है, दूर रहता है, बगैर किसी लीगल काज के, बगैर किसी लीगल ग्राउंड के, तो उस सूरत में भी कोर्ट जुडिशियल सेपरेशन दे सकती है. यानी वो हस्बैंड गायब हो जाता है, 2 साल से गायब हो गया, दीना दानिस्ती से अलहदा वाइफ से रह रहा है, या इसके अलावा वो दूर है, वाइफ को छोड़ के भाग गया है, या अपने फ़राइज़ मैट्रिमोनियल फ़राइज़ से पहलू तही कर रहा है, यानी अपने मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन पूरे नहीं कर रहा, अपने जो उसके मैरिटल ऑब्लिगेशन है वाइफ के, अज़दवाजी ताल्लुकात, वो पूरे नहीं कर रहा, फरार हो गया है, चला गया है, दूर हो गया है, अलहदगी कर दी है और गायब हो गया है 2 साल से, तो ये सूरत हाल है, ये ग्राउंड्स हैं. अगर ये ग्राउंड्स होंगे तो उस सूरत में वाइफ या हस्बैंड कोर्ट में केस फाइल करेगा जुडिशियल सेपरेशन का. एंड इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन कोर्ट इश्यू ए डिग्री ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन. ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रिश्चियन जुडिशियल सेपरेशन. इसके साथ ही मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट को इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस से इजाज़त दीजिए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, गो थ्रू आवर डिस्क्रिप्शन एंड ड्रॉप अस फ्यू लाइंस, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.